तो इलेक्शन नजदीक आ रहा है काफी इन्वेस्टर का क्वेश्चन है क्या हम लोग मार्जिन फंडिंग लेके इस इलेक्शन में लिवरेज कर सकते हैं क्या हम लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर हम लोग मार्जिन फंडिंग कर ले तो गाइस लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स होता है जब आप मार्जिन फंडिंग करते हो तो वही मैं आज बताने हूं। जा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ क्योंकि आपके पास कोई भी ब्रोकर होगा वो आपको हमेशा प्रोवाइड करता है आप जब शेयर्स प्लेस करते हो लेकिन क्या आपको ये जाना है ऑफ कोर्स दे विल चार्ज सम इंटरेस्ट पूरे साल का इंटरेस्ट होता है बिटवीन अठारह से बाईस परसेंट का डिपेंड्स ऑन अकाउंट टू अकाउंट ब्रोकर टू ब्रोकर लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको भी थोड़ा लिटिल बिट केयरफुल रहना है जब आप ये यूज करते हो तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस पर सो गाइस

देखो मैं अलियर ब्रोकर रहा हूं, कोटक सिक्योरिटीज का को, तो मुझे मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग वर्क करता है और ये भी पता है कि क्या ये सही में लोग कमा पाते हैं कि नहीं इससे सो टॉकिंग ऑन मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग यानी आपके पास समझ लो दस लाख के शेयर पड़े आपके अकाउंट में आपको उसको प्लेज करना पता है प्लेज आपको दूसरे दिन कर सकते हो दूसरे या तीसरे दिन आपको मैसेज है उससे आप प्लेज कर सकते हैं उसके सामने ब्रोकर आपको दस लाख के सामने कभी कभी टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स भी आपको लिवरेज देता है डिपेंड्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स आपके पास ए ग्रुप के ज्यादा स्क्रिप्ट है तो वहां लिवरेज ज्यादा मिलेगा बी ग्रुप का ज्यादा मिलेगा सी और डी में तो फिर प्रॉब्लम है वो लोग नहीं देते हैं जेड में भी नहीं देते डिपेंड्स ऑन कौन किस टाइप के आपके पास स्टॉक है उसके सामने आपको दो गुना तीन गुना चार गुना लिवरेज भी वो दे सकते हैं तो आप बोलोगे सही है यार मैं लीवरेज ले लेता हूं और बाय कर लेता यूज कर सकते हो एक तो आप आप अपना एफ एन ओ कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स कर सकते हो या तो आप इसके सामने और एक्स्ट्रा लिवरेज करके डिलीवरी ले सकते हो तब क्या होता है इसमें जैसे आप ये एक्स्ट्रा फंड यूज करते हो तो आपको ब्रोकर इंटरेस्ट चार्ज करेगा अब वो इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है? वो M2M होता है, वो डेली चार्ज होता है तो आपने अगर समझ लो वो दस लाख के सामने बीस लाख का शेयर खरीदा है ओके यानी दस लाख का एक्स्ट्रा शेयर खरीदा है तो दस लाख पे ऊपर वो लोग डेली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो शायद आपको मंथली एक साथ इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा और वो डिपेंड्स ऑन डे टू डे कितना होता है लेकिन अठारह परसेंट से बाईस परसेंट होता है कभी कभी कुछ ब्रोकर अभी नौ या दस परसेंट भी दे रहे हैं लेकिन क्या आपको इसमें जाना चाहिए वही मेन क्वेश्चन है क्योंकि एट दिव ले जा रहे हो देखो शॉर्ट टर्म में किसी को पता नहीं होता क्या होने वाला है अभी जैसे ये इलेक्शन आ रहा है इट्स लाइक अ पेंड्यूलम कभी ऊपर कभी नीचे हर रोज दो सौ पॉइंट निफ्टी का नो ऊपर नीचे रहता है तो इसमें बहुत ही दिक्कत होती है समझने की कहा जाएगा तो मैंने ओवर द दस क्या देखा मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग लेने में प्रॉब्लम यही एक होता है ले सकते हो इतने बहुत इजीली मिल जाता है लेकिन इसमें क्या होता है जैसे आपने डिलीवरी ले ली ज्यादा दस लाख के सामने हमने और एक सौ बीस लाख की डिलीवरी ले ली तो तीस लाख के आपके पास पड़े तो अब ये बीस लाख का जो आपने डिलीवरी ली है एक्स्ट्रा उसमें इंटरेस्ट चालू हो जाएगा और अगर मार्केट नीचे गिरा तो ये स्टॉक अगर ऊपर नहीं आते तो आपको दो महीना तीन महीना कभी कभी छह महीने कभी कभी तो कुछ लोग साल भर तक रखते हैं तो आप समझ लो समझ लो कि आपका अठारह परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ब्रोकर तो अठारह परसेंट तक तो आप कुछ कमा नहीं रहे हो जैसे अठारह परसेंट के ऊपर जाएगा तभी आप कुछ कमाने लगोगे जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी क्या होता है कि आ, क्लाइंट इंटरेस्ट दे देते हैं और फिर वो कुछ कमाते भी नहीं है और शायद तो उनका लॉस में ही होता है और ऊपर से क्या होता है आपको एम टू एम तो फिल करते ही तो अगर जितना डेफिसिट रहता है उतना आपको डेफिसिट पे करते रहना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड ब्रोकर नहीं लेने वाला अगर शेयर्स का भाव नीचे जा रहा है तो आपको वो एम टू एम तो लगने ही वाला है तो इट्स लाइक अ डबल एजेट सोर्स लेकिन आप बोलोगे नहीं तो पर, लेकिन मैंने जो शेयर लिया अगर वो एक महीने में भाग गया तीस चालीस परसेंट या बीस परसेंट तो अच्छा है तो आप कमा पाओगे क्योंकि समझ अठारह परसेंट है तो एक महीने का डेढ़ परसेंट वो लोग चार्ज करेंगे और अगर आपने दो महीने में ही वो शेयर को बेच दिया और आपने बीस कमाए तो बीस में से तीन का आपका इंटरेस्ट क्या है सत्रह परसेंट आप कमाऊंगा दैट इज गुड बट अगर नहीं कमा पाए तो क्या तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है ओवर मैंने देखा है कि कैसे लोग ये मार्जिन से मार्जिन फंडिंग से कमाते वही जो जिसका स्टॉक का नो no, साइकिल बहुत फास्ट घूमता है जैसे दो महीने में तीन महीने में एक महीने में आप सेल कर पा रहे हो लेकिन आप बोलते हो नहीं मैं तो ये पूरे साल रखूंगा तो भाई पूरे साल रखोगे तो आप अठारह बीस परसेंट तो मिलेगा ही नहीं ना उतना तो इंटरेस्ट में जाएगा ऊपर से क्या होगा उसके ऊपर ही मिलेगा आपको तो आपको लगता है कि आप पचास परसेंट या हंड्रेड परसेंट ग्रोथ होगा तो जाओ नहीं तो मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए उसमें तो आप अगर शॉर्ट टर्म बाइंग सेलिंग करते हो और उसमें अगर आप अच्छे हो तो ही जा सकते हो और वो भी मेरे हिसाब से तो अगर आपको मार्जिन ट्रेनिंग लें तो एक महीना दो महीने तक लीजिए महीना मैक्सिमम उससे आगे मत लीजिए नहीं तो इंटरेस्ट कॉस्ट इतना बड़ा आएगा ना आपको पता नहीं है है देखो आप आप समझो कैसे इंटरेस्ट कॉस्ट आता है। आपने तो दस लाख के स्टॉक है लेकिन आपने बीस लाख का एक्स्ट्रा है तो बीस लाख पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है आप समझ रहे हो तो वो बड़ा इंटरेस्ट आता है करेक्ट तो अगर आप बीस लाख पे गिर रहे हो तो साढ़े तीन लाख के आसपास वो तो आपका ऑलरेडी खर्चा है ही है तो इसलिए इनिशियली लेने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है इन लेने में सबको लगता है नहीं हो जाएगा लेकिन वो होता नहीं है तो मैंने देखा है कि 90 लोग मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में कमाते नहीं है क्योंकि आ, उनका स्टॉक उस तरह से बिहेव नहीं करता जिस तरह से वो सोचते है अब लोग मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग लेके क्या मैं फ्यूचर ऑप्शन लू वो भी डब वो भी बहुत ही डेंजरस है इस सिचुएशन में क्योंकि इतना बड़ा स्विंग आता है और समझ लो आपका पोजिशन रिवर्स हो गया और कुछ निफ्टी बहुत गंदी तरह से गिर गया ना आपका एक बड़ा कॉल आ जाएगा और आपको उतना तो मार्जिन पे करना ही पड़ेगा तो ये सब चीजें आपको डबल डबल ध्यान में रख के ही सोचना है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है क्योंकि ओवर द इयर्स मैंने देखा है कि जब इस तरह की वॉलीटिलिटी होती है ना मोस्टली इन्वेस्टर कमा नहीं पाते क्योंकि वॉलीटिलिटी गर्च नहीं कर पाते हम लोग और नो ब्रोकर क्या है ब्रोकर का तो कुछ नहीं है ब्रोकर के लिए तो ना सबसे पहले पोजिशन काटना है अगर वहां प्रॉब्लम आई तो वो आपको पूछे बिना ही पोजिशन काट देगा आपको पूछने भी नहीं जाएगा कि मैं तेरी पोजिशन काट रहा हूँ वो तो धड़ाधड़

डबल so, आप बोलोगे कि यार नहीं यार मेरी तो ब्रोकर में ज्यादा जान पहचान है ये जब मार्केट गिरता है मैंने देखा है कोई कोई सगा रहता नहीं है 2008 का मैंने देखा है 2020 में तो हालो हाल देखा है जब मैं खुद ब्रोकर था ऊपर से पोजीशन कट हो रही है और मेरे क्लाइंट मुझे फोन किया मेरी पोजिशन कट हो गई मार्जिन ट्रेडिंग मुझे भी पता नहीं है बॉम्बे से कट हो जाता है आप, आप समझ रहे हो ये कंट्रोल वो जो आपका सब ब्रोक ब्रोकर है ना उसके पास भी कंट्रोल नहीं होता वो सेंट्रल टीम ही आपकी पोजीशन कट करते जाती है तो इस तरह का जब ये सिनारियो आके खड़ा रह जाता है ना उस टाइम पे हमें बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है और वो टाइप ऑफ सिनारियो हो सकता है अगर आ, अगर ये फोर्थ जून को खुदा ना खासता ये पोजीशन जैसे हम लोग सोचे की मोदी जी थ्री फिफ्टी फोर हंड्रेड क्रॉस होंगे लेकिन अटकड़ें ये चल रही है कि भाई रूमर्स ये चल रहे शायद इतने सारी सीट्स नहीं मिलेंगे तो अगर ये पोजीशन रिवर्स होती है तो एक बड़ा झटका लगेगा और मार्केट दम करके गिरता है तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सो बी केयरफुल आप अगर मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हो तो डबल बार सोच के कीजिए मेरे अगर ओपिनियन मांगोगे ना तो भाई मत करो मत करो ये टाइम कोई चीज लिवरेज लेने का नहीं है मैंने आपको इन शॉर्ट मार्जिन ट्रेनिंग समझाया है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डालना आई ट्राई टू टेक इट और भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू मार्केट आप डालिए आई ट्राई टू कवर दैट बट बिफोर यू गो गाइस लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो गाइज ऑल्सो इस इन सब सिनारियों में प्रॉब्लम यही होता है कि कमाता सिर्फ एक ही बंदा है वो है ब्रोकर ब्रोकर अपना पैसा लेके जाएगा और ये कोई ब्रोकर आपको बोलेगा नहीं मैं सामने से रहा हूँ पहले मैं ब्रोकर रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ वो आपको कुछ मिले ना मिले वो अपना इंटरेस्ट तो कमा लेगा और इसलिए आप देखते हो वो आपको मार्जिन ट्रेडिंग के लिए पुश करेगा मार्जिन फंडिंग के लिए पुश करेगा भाई ये ले लो ये बहुत ही बेटर है आपके लिए आप थोड़ा तो लिवरेज ले सकते हो ये वो लेकिन uh, in, इस टाइप ऑफ वॉलिटिलिटी में नो इट बिकम्स वेरी रिस्की टू डू देट सो प्लीज कीप दिस माइंड बिफोर यू टेक एनी पोजिशन और खास करके एफ में एफ में तो आप, आपको देखो ये सब कॉल ये पुट जो बातें होती है ना ये बोलने के लिए होती है इतना इजी नहीं होता है इन सब चीजों से कमाना तो आप जरा केयरफुल के लेना क्योंकि इतनी केयरफुलिटी में जब जब आपका इंडेक्स ट्वेंटी फाइव थर्टी जाएगा ना इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया और सडनली आपकी पोजीशन नीचे से कट जाएगी तो भी पता नहीं चलेगा सो बी केयरफुल डबल डबल केयरफुल रहके ही जो करना है करना ये क्वेश्चन मेरे क्लाइंट्स और मेम्बर्स के बहुत आए थे कि सर ये मार्जिन ट्रेडिंग का समझाओ इसलिए मैंने आज ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने की बात की सो होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट जानना है और कुछ और जानना है तो प्लीज पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स आई ट्राई टू टेक इट और बाय बाय